शुभ संध्या मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721413385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सुपरटेट टीजीटी पीजीटी एलटी यूपी कांस्टेबल एसडीआई आदि के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का हैंडमेड नोट्स मतलब सफलता की 100% गारंटी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर अवश्य किया करिए, क्योंकि इस चैनल के साथ नए लोगों को जोड़ना ये आपका कार्य है और आपकी समस्याओं के लिए लड़ना ये हमारा दायित्व है। तो आप लोग अपने कार्य पर ध्यान दीजिए, हम अपने कार्य पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। बताते हैं आपको कि जिस मुद्दे को लेकर के हम आगे बढ़े थे वो तमाम मुद्दे अब जो है फैक्ट में बदलने लगे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की प्रथम कैबिनेट बैठक में भर्तियों संबंधित जो है वो डिसीजन लिए जाने हैं। जिस तरीके से आपको नैरेटिव फिट करके बताया जा रहा है कि 17,000 पदों पर सुपर टेट होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं सुपर टेट 74,000 पदों पर होगा। 74,000 पोस्ट आएगी, उसमें कोई दो राय नहीं। पहली, दूसरी चीज यह है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपना जवाब दिया है कि किसी भी तरीके से बीएड अभ्यर्थियों को जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर नहीं किया जा सकता। यहाँ की गवर्नमेंट ने भी अपने महाधिवक्ता के माध्यम से जो है बढ़िया सा एफिडेविट काउंटर लगाई है, एनसीटीई ने भी आपका साथ दिया है। तो ये तो अब स्पष्ट हो चुका है कि बीएड की डिग्रियों को जो है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर नहीं किया जाएगा। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कड़ी फटकार लगाई है केंद्रीय विद्यालय संगठन को, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने पीआरटी से जो है बीएड डिग्री को बाहर कर दिया था और अब वो जो है संशोधित विज्ञापन जारी करेंगे जिसमें बीएड डिग्री वाले विद्यार्थी भी पुनः आवेदन कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपके टेट और सीटेट के रिजल्ट को लेकर के। तो टेट और सीटेट का रिजल्ट आपका 16 तारीख तक वो जारी हो सकता है, 16 तारीख तक आने की संभावना दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से पीएनपी से वार्ता हुई थी और पीएनपी से इस बात को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया तो उन्होंने कहा कि 15 तारीख तक हमारा स्ट्रेटेजी प्लान है कि हम जो है विज्ञापन जारी आपका रिजल्ट जारी कर दें और 15 तारीख के बाद हम जो है आपका रिजल्ट जारी कर देंगे। लोक सेवा आयोग में शासनादेश आ चुका है आपके एलटी के लिए, जीआईसी के लिए, और आपके कला विद्यार्थियों की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया को भी अब तेजी से बढ़ाया जाएगा। चूंकि जो मुद्दे थे वो शिक्षा निदेशालय को एक हफ्ते के अंदर शट आउट करने की जो है जिम्मेदारी वो दी गई है कि एक हफ्ते के भीतर ये सारे मामले वो जो है शट आउट कर दिए जाए ताकि विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिल सकें और इनके मामले को भी निस्तारित किया जा सके। अब बात कर लेते हैं आपके वेटिंग लिस्ट को लेकर के। बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछते हैं कि सर क्या 2018 के और वेटिंग लिस्ट कोई आएगी? तो कुछ विषयों की अभी वेटिंग लिस्ट आ सकती है ना, कुछ विषयों की वेटिंग लिस्ट बन करके तैयार हो चुकी है और नए विज्ञापन के पहले या नए विज्ञापन के साथ आपको वेटिंग लिस्ट देखने के लिए भी मिल सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए भी सूचना प्राप्त हो रही है कि 21 तारीख को जिला आवंटन सूची जारी होगी, क्योंकि उसमें 50% वाला जो विवाद था वह विवाद अब जो है वो सॉल्व हो चुका है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो कानूनी दांव पेच थे उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री ने अपने सहयोगियों के साथ कानून विशेषज्ञों के साथ मंथन किया है और जो है अब ये सारी चीज़ें वो दूर हो चुकी हैं। तो आपका जिला आवंटन सूची वो 21 मार्च तक मतलब होली बाद वो जारी हो सकता है और एक हफ्ते के भीतर ही वो सारी प्रक्रिया पूर्ण कर दी जाएगी, क्योंकि योगी भी जो कैबिनेट की बैठक होगी योगी जी के वो मतलब 15 तारीख को शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक होगी। और जिस तरीके से मंत्रिपरिषद के अंतिम बैठक में उन्होंने इस बात को लेकर के जो है आशाएं व्यक्त की, उन्होंने एक्शन में अपने आप को दिखाया और जो सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही हैं लखनऊ से कि वहां पे रोजगार के मुद्दे को लेकर के आपके जो है मतलब नई वैकेंसियों के मुद्दों को लेकर के इन सारे मुद्दों को लेकर के गहन चर्चा की गई है टीम 11 में। और जो कार्यदायी अधिकारी वगैरह हैं जो ये इस आस में बैठे थे कि शासन सत्ता परिवर्तित होगी तो प्रक्रियाएं परिवर्तित होंगी और उसमें सारी चीजें वो होंगी, लेकिन अब वो भी जान चुके हैं कि फिर से 2.0 शुरू हो चुका है
ना, तो अब वो भी तेजी से उस पर आगे बढ़ रहे हैं। आपको एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपको एलटी ग्रेड और जीआईसी के लिए लगना है और टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन के लिए भी लगना है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन आपका इसी मार्च के भीतर आना है। चूंकि नवल किशोर शर्मा जी से मुलाकात हुई थी, उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि हमारा समायोजन का जो मुद्दा था वो साल्व हो चुका है, पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। कुछ गिने चुने विद्यार्थी हैं जो कि अभी भी जा रहे हैं विद्यालयों में, तो उनके साथ ज्वाइनिंग संबंधी जो है विवाद आ रहे हैं। 21 तारीख तक का उनके पास वक्त है, उसके बाद जो है मतलब वो सारी चीजें वो स्वयं ही क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो आप लोगों को बस थोड़ा सा इंतजार करना है और अपनी तैयारियों में जुटे रहिए, लगे रहिए। और यूपी कांस्टेबल के लिए भी एक सुखद सूचना प्राप्त हो रही है कि आपको अप्रैल माह में जो है भर्ती प्रक्रिया देखने के लिए मिलेगी 26,690 पदों पर, है ना। जो है यूपी कांस्टेबल की नई वैकेंसी जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ एसडीआई के भी पदों पर जो अधियाचन प्राप्त हुए थे उनका भी विज्ञापन जारी होने चल रहा है। यूपी SSSC भी इस समय अपनी फुल फॉर्म में है और वहां भी जो सुस्त पड़ी प्रक्रियाएं थी वो प्रक्रियाएं अब स्टार्ट हो चुकी हैं, वहां पे कार्य शुरू हो चुका है। और आप लोगों को बहुत जल्दी ही जो है लेखपाल की भर्ती, साथ ही साथ आपको जो है अन्य जो पेंडिंग भर्तियां हैं उनके भी परीक्षा कैलेंडर आदि वो सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। साथ ही साथ जो विद्यार्थी अभी तक नियुक्तियां नहीं कर पाए हैं उनके लिए भी आदेश जारी कर दिया गया है कि उन्हें तत्काल जो है वो नियुक्तियां प्रदान की जाएं। और चुनाव आयोग जो है बहुत जल्दी ही शासन सत्ता के अस्तित्व में आते ही, नई कैबिनेट के अस्तित्व में आते ही अपना चुनावी आचार संहिता वापस लेगा। चुनावी आचार संहिता के वापस होने के साथ ही आपकी वैकेंसियों के आने का सिलसिला भी वो जारी हो जाएगा, ठीक है ना। लोक सेवा आयोग में भी इस बात को स्पष्ट कर लिया गया है, उन्होंने क्लियर कर दिया था कि आपका अप्रैल मई में और जून में ये जो है एलटी का और जीआईसी का पेपर कराया जा सकता है। जिस तरीके की मतलब जो तैयारियां हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी आपकी 24 मार्च से आरंभ हो रही है ना, 24 मार्च से 12 अप्रैल तक ये चलेगी। 5-6 दिन आपका होम एग्जाम चलेगा, कक्षा 6 से 8 जो है मतलब 11 तक, है ना। तो होम एग्जाम वगैरह समाप्त होने के बाद सारे विद्यालय खाली हो जाएंगे। जब विद्यालय खाली हो जाएंगे तो रिजल्ट आपका एग्जाम कराने में बहुत आसानी होगी। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल साथ। इस समय सत्तासीन व्यक्तियों के साथ आपकी समस्याओं के विषय में लगातार डिस्कशन किए जा रहे हैं विधायकों के माध्यम से और जो है मतलब सारी चीजों के माध्यम से। और आप लोगों को बहुत जल्दी ही सुखद समाचार मिलने वाले हैं। और जिस तरीके से धमाकेदार वापसी जो है सत्तारूढ़ पार्टी की हुई है वो इस बात को संकेत करता है, जिस तरीके से मंत्रिपरिषद की बैठक में इस बात का डिस्कशन हुआ और प्रथम मंत्रिमंडल में ही आपके लिए बहुत धमाकेदार फैसले होने चल रहे हैं, खास तौर पर युवाओं के लिए, क्योंकि वैकेंसियों की सौगात आप लोगों को बहुत जल्दी ही मिलने वाली है। 13,390 पदों पर आपका एलटी और लगभग 22,000 पदों पर आपका टीजीटी पीजीटी और 74,000 पदों पर आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन वो मिलेगा। 3,031 पदों पर आपको जो है जीआईसी प्रवक्ता का भी विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। तो आप लोग बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल साथ, क्योंकि हमेशा ही आपके हित के लिए, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा ही हम कार्य करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। आप सभी को शुभ रात्रि।